हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी 1.2 में। आज की वीडियो में हम भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक साथ करना सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीका से। वीडियो में अंत तक बने रहना, आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा। पहला है 7/3 प्लस 6/9 माइनस 8/12 गुने 9/14 भागा 6/7। तो सबसे पहले बोडमास के रूल के अनुसार इस सवाल में सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सबट्रैक्ट करेंगे। पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सबट्रैक्ट, ये चार चीज करेंगे। करते हैं तो यहाँ 7/3 प्लस ये 6/9 है, 6/9 माइनस 8/12 गुने 9/14, यहाँ भागा है तो यहाँ गुना लिखेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों को, अब ये तीनों मल्टीप्लाई में आ गया, गुना में आ गया, इसको काटेंगे तो ये हो गया 7 × 7, 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 8, अब 4 × 4, 4 × 3 = 12, 3 × 3, 3 × 9, 3 × 3, 3 × 2 = 6। ये ऊपर पूरा कट गया, ऊपर 1 बचा और नीचे 2 बचा, ये आ गया 1/2। इसको लिखेंगे 7/3 प्लस 6/9 माइनस, ये पूरा सॉल्व करने के बाद 1/2 आएगा। अब नीचे इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 3, 9, 2 का, 3, 9, 2 का एलसीएम निकालेंगे। पहले 3 से लगाएंगे, 1, 3, 2, 3 से 1, 1, 2, फिर 2 से लगा देंगे, 1, 1, 1 आ गया। अब इन तीनों को गुना कर देंगे, तीनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, तो इसका एलसीएम आ गया 18। अब करेंगे, अब 3 के टेबल में 18 कितने बार में आता है, 6 बार में आता है, यहाँ 6 गुने इसके ऊपर 7 है तो 7 लिखेंगे, फिर प्लस 9 के टेबल में 18 दो बार में आता है तो 2 गुने इसके ऊपर 6 है तो 6 माइनस 2 के टेबल में 9 18 आता है 9 बार में, 9 गुने इसके ऊपर 1 है, 1 लिख देंगे। अब 6 × 7 = 42 प्लस 2 × 6 = 12 माइनस 9 × 9 बट्टा 18। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 54 माइनस 9/18, 54 में से 9 आ गया तो आ गया 45, तो 45/18 ये इसका फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए आपका भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग समझ आ गया होगा। इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।